बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। अनाज मंडी गेट पर इकट्ठा होकर किसानों ने किया रोड जाम। बुलंदशहर अनाज मंडी गेट पर इकट्ठा होकर किसानों ने किया रोड जाम। किसानों का आरोप है कि धान का सौदा तय होने के बाद अचानक हुई बारिश से मुखरे व्यापारी बिके हुए धान को नहीं तोड़वा रहे। व्यापारी बारिश के बीच किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी, जहां वीराबाद स्थित अनाज मंडी के मैन गेट पर सैकड़ों किसान एकत्रित होकर लगातार खराब मौसम के बीच कर रहे प्रदर्शन। कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने में जुटे। किसान उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की कर रहे हैं मांग। किसान नेता सुनील चरोरा ने मौके पर पहुंचकर किसानों को दिया समर्थन। आपका कैसा आना हुआ विधायक जी, आपका आना मंडी में कैसे हुआ? देखिए किसान बहुत परेशान है, धान की खरीद नहीं हो रही है, बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुई है। थोड़ा बहुत धान जो है वो भीग गया है जी, रजिस्टर में भी चढ़ गया है, एंट्री भी हो गई है। अब इनकी गलत बात है, लेकिन मंडी वालों ने अत्याचार कर रहे हैं किसानों पर। अभी एडीएम साहब ने आदेश दिया है कि एसडीएम और मंडी सचिव मौके पर पहुंच रहे हैं और उनका धान तोलेगा। आज आपका क्यों बैठे हैं आप, क्या मांगे आप? आज सुबह 9 बजे रेट डिसाइड हुआ धान का 2850, 2900, 3000 तक। 9 बजे के बाद 12 बजे तक तोल हुई, फड़ों पे किसानों का माल आ गया। उसके बाद 12 बजे जब बारिश आती है, बोरियों में माल पैक हो चुका था, कुछ माल जो है फड़ों पे पड़ा हुआ था। इतनी बारिश के बाद व्यापारियों ने कह दिया कि किसान यहाँ से अपने माल को उठा ले जाए और हम इस तोल को नहीं कर रहे, जबकि मंडी एक्ट में ये प्रावधान है कि मंडी में अगर माल बढ़ गया तो जब तक दाने दाने को कोई खरीद ना ले, या तो सरकार खरीदे या आड़ती खरीदे, और जो रेट डिसाइड हो गया उस रेट पे खरीदे। ये आपदा जो है ये आड़त की और सरकार की है, ना कि किसान की। ये माल तुलना चाहिए जो मंडी में अंदर है, किसान को 2850, 2900 का रेट मिलना चाहिए धान का। आज उसके लिए यहाँ मंडी के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन में किसानों के साथ बैठे हैं। अभी मंडी की तरफ से कोई आया आपके पास? नहीं, मंडी की तरफ से एसडीएम साहब ने नंबर बंद करके वो गायब है, और सचिव यहाँ से भाग चुका है, और प्रधान एक बार जो मंडी का प्रधान है आड़तियों का, वो एक बार आए, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन फिर आए उन्हें फिर वापस खींच ले गए। लेकिन ये खसमाखस चल रही है, जब तक एसडीएम और सचिव हमारे बीच में आके किसानों को संतुष्ट नहीं करेंगे, जब तक हम उठने वाले नहीं। जिला कासगंज से आए हुए, ये जाम क्यों लगा रखा आपने? जाम इसलिए लगाया, हमारा माल तय हो गया, हमारी पूरी मंडी के अंदर माल क्यों नहीं खरीदा, खरीदी लगाया, पैसे पेमेंट क्यों नहीं हुआ, माल बिक गया है, पेमेंट क्यों नहीं हुआ? आप कहाँ क्यों हो रहा है? आप कहाँ के रहने वाले हो? आप जिला कासगंज के रहने वाले? अच्छा अच्छा, जिला कासगंज के रहने वाले। बिक गया था गोभी, उनके पैसा भी नहीं मिले। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? कुमार मेरा नाम है जी। तुम्हारा? मेरा नाम धनबाद सिंह है, जिला कासगंज का रहने वाला हूँ, गांव चकेरी का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सियाना तहसील गांव लड़ाना का रहने वाला हूँ। ये जाम क्यों लगा रखा आपने? जाम इसलिए लगा रखा है, रात धान लेके आए हैं, सुबह धान की बोली हुई, धान बिक गया जी, कुछ धान तुल गया जी, बाकी बोली लग के मतलब पैरेकार ने धान खरीद लिया जी। धान खरीदने के बाद किसान अपना निफराम हो गया जी, निफराम होने के बाद चाय पानी पीने किसान चला गया, अचानक मौसम खराब हो गया, बारिश आ गई। अच्छा, बारिश होने के बाद किसान का धान भीग गया, मंडी में पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं, आड़तियों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, जो टीन सेट या जो भी जिस प्रकार के भी साधन यहाँ है वो यहाँ के व्यापारियों ने घेर रखे हैं, जहाँ किसान अपना माल को सुरक्षित भी नहीं रख सकता। अब वो पैरोकार कह रहे हैं कि जी आपका माल भीग गया, हमने सूखा माल खरीदा, गीला नहीं खरीदा, आप अपने माल को अपने घर ले जाओ, अपने माल को अपने घर ले जाओ। किसान को माल तुलगो, और इनके लोगों को मना कर दो, और बोरिन में भर गो, और उनको मना कर दो।
भी और जो बनिए वो भी है, वो कह रहे हैं किसान अपने माल ले लो अपने घर को। अरे हम ले गए भाभी, ये किसान कह रहे हैं भाई या माल है तो ले लो यहाँ जो आए वो मंडी में, तो बोले यार ले जाओ माल बीज को। अब ये तीन सेट पर तुम्हारे बापन के पर रहे हैं कि दुनिया भर के सरकार के किसान की है किसान करेंगे जब तक किसान पेमेंट ना आ जाए और ये माल सबरा तुलना जाए।